आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर. भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. देश में भारी बारिश, उत्तर भारत में 12 लोगों की मौत. जैन मुनि हत्याकांड की जांच तेज. जैन मुनि हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग. जैन मुनि की हत्या के विरोध में समुदाय के लोगों का आंदोलन. रोटरी क्लब ऑफ सेंट्रल का अधिकार ग्रहण. अब समाचार विस्तार से. भारत अब वैश्विक स्तर पर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, तेलंगाना के लोगों की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है. तेलंगाना में लगभग 6,100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मोदी संबोधित कर रहे थे. इस कार्यक्रम का तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने बहिष्कार किया. मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत में निवेश करने को इच्छुक है. विकसित भारत में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है. फिर तेलंगाना के सामने भी मौके है. आज देश में बुनियादी ढांचे पर अनेक प्रकार से कई गुना तेजी से काम हो रहा है. दिल्ली के उत्पाद शुल्क नीति घोटाले का जिक्र करते हुए मोदी ने तेलंगाना के सत्तारूढ़ बीआरएस और दिल्ली की आप सरकार की आलोचना की. देश में भारी बारिश, उत्तर भारत में 12 लोगों की मौत. चक्रवात बिपरजॉय के कारण इस साल भारत में बारिश में कुछ देर की देरी हुई. हालांकि बारिश जून के अंत में शुरू हुई, लेकिन केवल 15 दिनों के भीतर बारिश ने पूरे देश को कवर कर लिया. इस बीच उत्तर भारत में बारिश तेज हो गई है और जानमाल का भारी नुकसान हुआ है. पिछले दो दिनों में उत्तर भारत में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है. इसके चलते दिल्ली में भी भारी बारिश हुई है. जैन मुनि हत्याकांड की जांच तेज. चिकोड़ी तालुका के हीरेकुडी के जैन मुनि काम कुमार नंदी उम्र 58 वर्ष की हत्या कर दी गई, इसका खुलासा हो गया है. मुनि के 4 दिन से लापता होने के कारण पुलिस तलाश कर रही थी. मुनि की मुलाकात आखिरी बार किस व्यक्ति से हुई? जब तलाश शुरू हुई तो हत्या की गुत्थी सुलझ गई. साफ है कि हत्यारा वही है जिसने पुलिस को अपनी फर्जी कहानी बताई थी. पुलिस ने नारायण को 3 बार थाने लाकर पूछताछ की. इसके बाद पुलिस को उस पर शक हो गया. पुलिस ने पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली. फिर साफ हुआ कि नारायण और उसके साथी ने ही ये जघन्य हत्या किया है. जिला पुलिस प्रमुख संजीव पाटिल के नेतृत्व में टीम ने जांच तेज कर दी है. जैन मुनि हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग. चिकोड़ी तालुका के हीरेकोड़ी नंदी पर्वत जैन आश्रम के 108 काम कुमार नंदी महाराज की हत्या की जांच में राज्य पुलिस सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है. इसलिए बेलगाम साउथ ने मांग की है कि यह जांच सीबीआई को सौंपी जाए. अभय पाटिल और संजय पाटिल ने रविवार सुबह बेलगाम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा. अभय पाटिल ने कहा कि जांच की समग्र प्रक्रिया को देखते हुए इस मामले में जैन समुदाय को न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है. 108 काम कुमार नंदी महाराज पैसों का लेन देन करते थे. पुलिस का कहना है कि इसी वजह से उनकी हत्या की गई है. ये कहना गलत है कि स्वामी जी जो कि पूर्णतया परित्यक्त है पैसों का लेनदेन करते हैं. पुलिस ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि वो मामले में गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रकाशित ना करें, क्योंकि इसे हत्या की जांच में बाधा आएगी. अगर दोनों आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे तो उनके नाम जारी करने में पुलिस को क्या परेशानी थी? उन्होंने ऐसा सवाल उठाया. जैन मुनि की हत्या के विरोध में समुदाय के लोगों का आंदोलन. हीरेकुड़ी मठ के जैन मुनि काम कुमार नंदी महाराज की हत्या के विरोध में रविवार सुबह संपूर्ण जैन समुदाय की ओर से सुवर्ण विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया. इस आंदोलन के माध्यम से समुदाय के सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की. समाज के मार्गदर्शक साधुओं की निर्मम हत्या की निंदा की गई. साथ ही इस बात की भी जोरदार मांग थी कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए. इस आंदोलन में बड़ी संख्या में जैन समुदाय के नागरिकों ने भाग लिया. सुवर्ण विधानसभा के सामने सड़क जाम कर करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रखा गया. घटना की जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग की गई. रोटरी क्लब ऑफ सेंट्रल का अधिकार ग्रहण. रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल का उद्घाटन समारोह शनिवार को आयोजित किया गया. समारोह का आयोजन ओरिएंटल स्कूल के समीप स्थित संत तुकाराम ऑडिटोरियम में किया गया. इस कार्यक्रम में क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में मंजुनाथ अल्वानी और सचिव के रूप में अभय जोशी ने पदभार संभाला. संतोष गवली को कोषाध्यक्ष चुना गया. इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर लेनी डिकोस्टा एवं सहप्रांत शीतल चिलमी उपस्थित थे. उन्होंने अपने भाषण में नए पदाधिकारियों को मौलिक मार्गदर्शन दिया. प्रारंभ में शांता आचार्य ने नृत्य प्रस्तुत किया. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया गया. सचिव अमित पाटिल ने पिछले वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा की. इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का. देखते रहिए स्मार्ट प्लस.
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत, बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शनिवार को कुंतीनगर टीचर्स कॉलोनी खासबाग में हेल्थ केयर कैंप लगाया गया। शिविर का आयोजन नवयुवक एकता मंडल एवं दत्त सेवा समिति के संयुक्त सहयोग से किया गया। इसमें चिकनगुनिया और डेंगू से बचाव की खुराकें वितरित की गई, साथ ही जरूरतमंदों की मधुमेह और रक्तचाप की जांच भी की गई। इसके साथ ही केलिया आयुर्वेदिक कॉलेज की टीम ने नेत्र परीक्षण शिविर भी लगाया, इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। शिविर के उद्घाटन के दौरान श्री दत्त मंदिर में पूजन कार्यक्रम आयोजित कर छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा की गई। मुख्य अतिथि उद्यमी शरद पाटिल ने मार्गदर्शन किया। शिविर के आयोजन की पहल सामाजिक कार्यकर्ता जयेश भातखंडे ने की। फोन इन कार्यक्रम में शिकायतों की बरसात। जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजीव पाटिल की अनुपस्थिति में भी शनिवार को एसपी टीम द्वारा 15 फोन इन कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उनकी अनुपस्थिति में टीम ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में जिले भर से आई शिकायतों को सुना। थानाध्यक्ष की टीम ने अवैध शराब बिक्री, जुआ, यातायात समस्या, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, ऑनलाइन ठगी, शहर और जिले के लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित पुलिस को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया। बेलगाम एयरबेस की नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा। हालांकि बेलगाम हवाई अड्डे से उड़ानों की संख्या कम हो गई है, लेकिन भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने भविष्य को देखते हुए इस हवाई अड्डे को विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तरी कन्नड़ के इस प्रमुख विस्तार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के लिए 229 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में हुबली और बेलगाम हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों और विभिन्न कार्यों के लिए वास्तुकला परामर्श सेवाओं के लिए निविदाएँ जारी की है। संगीत कलाकार संघ का स्वर पूर्णिमा उत्सव। सकल गुरुवंदन कार्यक्रम एवं संगीत कलाकार संघ की जुलाई बैठक हाल ही में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से संगीत की बारिश में स्वर पूर्णिमा मनाई गई। मंच पर आज की पीढ़ी के कलाकारों के सभी गुरुओं की छवि सजी हुई थी। इसमें महान शिक्षक शामिल थे। सभी के प्रमुख शिष्यों ने सामूहिक गुरु पूजा की। वरिष्ठ सदस्य रोहिणी गणपुले ने उपस्थित कलाकारों एवं दर्शकों का स्वागत किया। कलाकारों ने जगन्नाथ धर्माधिकारी और एडवोकेट का सम्मान रविंद्र माने द्वारा किया गया। अध्यक्ष नंदन हिरलेकर ने कलाकारों का परिचय कराया। उपाध्यक्ष मुकुंद गोरे ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अम्बोली फॉल्स देखने के लिए 20 रुपए शुल्क। वर्षा पर्यटन के लिए मशहूर अम्बोली फॉल्स को देखने के लिए अब शुल्क चुकाना होगा। स्थानीय वनज प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति से 20 रुपए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे से 10 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इससे पहले भी अम्बोली फॉल्स को देखने के लिए शुल्क लिया जाता था, लेकिन 4 साल पहले झरने के स्वामित्व को लेकर अम्बोली और पारपोली के ग्रामीणों के बीच विवाद के कारण लेवी रोक दी गई थी, लेकिन अब शनिवार से दोबारा चार्जिंग शुरू कर दी गई है। अभी स्कूलों में हर तीसरे शनिवार को होगा नो बैग डे।
स्कूलों को अब महीने के तीसरे शनिवार को बस्ते का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने इस दिन को नो बैग डे या सेलिब्रेशन सैटरडे घोषित किया है। बच्चों को खुशनुमा माहौल में अन्य शैक्षिक गतिविधियां सिखाई जाएंगी। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था ने चालू शैक्षिक वर्ष में हर तीसरे शनिवार को बच्चों को बहुमुखी गतिविधियों में संलग्न करने के लिए विभिन्न विषयों में छात्रों के लिए स्वव्याख्यात्मक मॉड्यूल और शिक्षकों के लिए गाइड बुक तैयार की है। इन गतिविधियों को कैसे लागू किया जाए इस पर जिला, तालुका और क्लस्टर स्तर पर आयोजित प्राचार्यों की बैठक में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।